ये क्या है, ये क्या है? अभी नहीं दिखाएंगे, ठीक है? अब दिखाओ, अब मेन चीज है। Hey guys, welcome back to our new video. Technical and Vlogs channel में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। Guys, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मैं भी काफी बढ़िया हूँ। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे देखिए गाइस, आ गया है भैया। और ये क्या है, डब्बा लेके आया? इसमें एक बहुत शानदार मशीन है गाइस, मैं प्रोजेक्ट हमेशा बनाते रहता हूँ, उसमें कटिंग वटिंग करने के लिए और बहुत सारा मशीन का जरूरत पड़ता है। क्या, कौन सा? फाइनली मैं ले लिया हूँ एक मशीन। क्या मशीन है इसके अंदर, वो खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो सबसे पहले खोलते हैं और दिखाते हैं। और कौन सा मशीन है अभी नहीं बताया? बहुत भारी है। चलो कहाँ खोलना है? ऐसे बैठ जाओ यहीं पे। इधर आओ, ये जगह सही है। इधर काला काला लग रहा है। चलो ये कोना जगह सही है। वाह। तो गाइस, इसके अंदर क्या होने वाला है आप लोग गेस करो। मशीन तो है आपके पास, तो सब कुछ मशीन है, एक आध मशीन छोड़ के कुछ नहीं है, एक एक करके खरीदना पड़ रहा है। तो फटाफट अभी ओपन कर रहा है। क्या हुआ है? ओ, ये क्या है, ये क्या है? अभी नहीं दिखाएंगे, ठीक है? ये हीट गन है। देखो इसमें क्या क्या निकल रहा है। देखो सेफ्टी के लिए बहुत कुछ लगाया है इसमें। देखो अरे चादर, ये मच्छरदानी है, लो टांग लो। पैकिंग अच्छे से किया है। अब दिखाओ, अब मेन चीज है। खतरनाक। ये जिक्सा मशीन है? ये है एक जिक्सा मशीन, आईबॉल कंपनी का है। बहुत सारा देखा था लेकिन यही जो है बेस्ट लगा मुझे, तो इसी को ले लिया है। अब जो है बॉक्स को खोलते हैं, ठीक है? कैसे खोलना है? ऐसे ऐसे ही खोल रहा है। हाँ, मस्त मस्त। कलर कौन सा है? रेड वाला कलर? सेम कलर। इसी कंपनी के एक ही कलर होता है ना, इसका डिफरेंट कलर भी होता है। ये वारंटी दिया गया है 6 मंथ का। कार्ड वगैरह सब कुछ अंदर होगा? कार्ड वगैरह है इसमें। कितना वाट का है? 650 वाट का। 650 वाट का इनपुट पावर। वोल्टेज 230 का। ये क्या है? ये वोल्टेज जो डायरेक्ट एसी लाइन में चलेगा, ठीक है? चलो निकालो। फाइनली जो है मशीन निकालने वाला है, तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। खतरनाक, एकदम मस्त वाला मशीन है। पैकिंग बढ़िया है, ठीक है? सिलाई मशीन जैसा लग रहा है हमको। किसे काटेगा, ठीक? ये सिलाई मशीन जैसा हमको लग रहा है। कहाँ सिलाई मशीन, प्लाईवुड कटिंग मशीन है, प्लाईवुड वुड वगैरह बस बेस। इसमें ये क्या है, ब्लेड है? ये सीधा इसे देखने के लिए। इसका ब्लेड चेंज कर सकते हो आप? लेकिन इसमें और क्या क्या दिया है, रुको देखते हैं। इसको इधर रखो। वो हैंडल दिया गया है, ये कुछ यूजर मैनुअल क्या सब, इसका डिटेल्स व्हाट्सएप पर। इसको वारंटी कार्ड कहाँ है? कार्ड लगता है यही है क्या? नहीं है कुछ। और इसमें ब्लेड दिया गया है, देखो गाइस। जो मैं अभी बोला है मेन यूजर मैनुअल कैसे यूज करना है, देखो सब कुछ दिया गया है। इसको क्या पढ़ना है, डायरेक्ट हम लोग लगाएंगे। एक ही ब्लेड दिया है? नहीं, दो ब्लेड है देखो। छोटा वाला ब्लेड और ये थोड़ा सा बड़ा, वो बड़ा वाला प्लाईवुड बारीक काम के लिए सही है। देखो छोटे छोटे दांते हैं इसमें, और ये जो है बड़ा बड़ा साइज का दांता बना हुआ। और ये सब क्या है गाइस, मैं ये जो मशीन है फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, तो पता नहीं है क्या ये हैंडल है। अच्छा अच्छा, ये जो है इस मशीन में इसके पीछे यहाँ पर लगेगा। ये किस लिए? अच्छा, कटिंग वाला जितना भी पाउडर है यहाँ से निकलेगा? हाँ, वो जो डस्ट है ना। हाँ, वो डस्ट यहाँ से निकलेगा। नहीं जा रहा, चला गया फिटिंग। तो इसे अभी तो इसे जरूरत नहीं है, जो वैक्यूम क्लीनर नहीं आता है उसके साथ ये अटैच करके पाइप में तब कटिंग करेंगे तो पूरा डस्ट जो है उसमें भर जाएगा, तो अभी इसका कोई जरूरत नहीं है, निकाल देता हूँ। और इसका क्या है? और ये लगता है हमें यहाँ पर ये फिक्स होता है, वो मेजरमेंट करके कटिंग करने के लिए। अच्छा, तो ये दोनों को जरूरत नहीं है अभी। मशीन अभी क्या क्या है देखते हैं। ये वाला बटन है, ये कौन सा बटन है? जो है इसका स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए।
अच्छा, वो रिवर्स वाला बटन है। लेकिन ये रिवर्स हो कि नहीं रहा। अच्छा ये 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 वाला भी है बटन, थोड़ा हार्ड है, अभी नया है ना, बहुत ज्यादा हार्ड है। ये स्लाइड वाला स्विच क्या क्या है ये सब यूजर मैनुअल के अंदर है वो देख के हमें थोड़ा बहुत जानकारी लेना पड़ेगा। बॉक्स से ज्यादा छोटा है, बॉक्स बहुत बड़ा है। और ये छोटा मशीन छोटा बहुत छोटा तो बढ़िया दिखा, ये भारी है क्या, टेबल साइज का है। कितना भारी है? अरे भारी तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भारी है। काफी सही है। अच्छा ये लॉक वाला सिस्टम है, वही स्विच है। और ये थोड़ा रबर टाइप का ग्रिप पकड़ने के लिए, ये लिंकिंग किस लिए दिया है, टाइट करने के लिए। इधर ये नट नट वगैरह ढीला टाइट करने के लिए, तो मैं लगा देता हूँ फिर से। 2,246 रुपये, तो 2,246 रुपये इस मशीन का प्राइस है। अभी इसका रेट कम ज़्यादा भी हो सकता है, बाय लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, अगर आपको लेना है तो ले सकते हो। और ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। अरे मैं अपने यूज़ के लिए खरीदा हूँ, ठीक है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, थोड़ा आप लोगों को भी जानकारी हो जाएगा। और ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, इसके बारे में उतना मेरे को नॉलेज नहीं है। ब्लेड वगैरह भी लगाना होगा, ये सब देख कर ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको फिट कर लेता हूँ, उसके बाद कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। चले गए, चलते हैं नीचे और इसको चला कर देखते हैं। चलिए गाइस, बॉक्स भी ले लिए। गिर गया, गिर गया नीचे। तो गाइस चलिए नीचे चलते हैं, अभी डब्बा भी ले लिया हूँ, नीचे चल के आप लोगों को दिखाते हैं, टेस्टिंग करके प्लाईवुड कटिंग करना है। चलिए गाइस फाइनली नीचे आ चुका हूँ, और भैया यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि कैसे चलाना है कैसे क्या, तो जितना भी है यहाँ पे यूजर मैनुअल चेक कर रहा है। और यहाँ पे देखिए गाइस, ये प्लाईवुड कटिंग होने वाला है, और मशीन तो यहाँ पे काफी मस्त खूबसूरत लग रहा है। मशीन का जो कलर है वो काफी बढ़िया है। स्पीड एडजस्टमेंट डायल है, यहाँ से स्पीड कम ज्यादा होगा, ठीक है। इसमें कितना दूर तक है, दो नंबर, कितना दूर तक है नंबर, ऐसे स्पीड थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। हाँ ठीक, मतलब है, मतलब स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं उस बटन, उसमें पहले पहले एक दो में चलाना है। तीन नंबर लॉक ऑन बटन, ठीक है, तीन नंबर बटन कौन सा है, अच्छा ये वाला लॉक, अच्छा लॉक लॉक कर सकते हैं इस। पूरा यहाँ पर देखिए डिटेल्स दिया गया है, कौन सा स्विच क्या है दिया गया है। चलिए इसको मैं देख लिया हूँ, अब फटाफट इसमें ब्लेड को इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद ये प्लाईवुड कुछ लेके आया हूँ, इसको काट कर आपको दिखाऊंगा ब्लेड किस तरह से लगाना है। हो गया, कैसे लगाया, ये वाला लॉक है, ये लॉक ऐसे दबाना है, और ये सेंटर करके इसको दबा देना है, बस हो गया। इतना बड़ा रहेगा ब्लेड, इतना डीप कटेगा ये, इतना मोटा प्लाई कटिंग करेगा, प्लाई लकड़ी कुछ भी काट सकते। चलो गाइस अभी यहाँ पे चलने वाला है जिग्सॉ मशीन, काफी बढ़िया लगाओ, ओके चलाओ, पहले चला कर दिखाओ स्पीड कितना है, दो पर चला, स्पीड बढ़ा, बहुत स्पीड है, अभी स्पीड बढ़ाते हैं, रुको, फुल कर दिया हूँ, छह तक है बस, ओके सिक्स लगाओ, चलाओ चार गुना बढ़ गया है। इसी स्पीड से चलाओ, यही स्पीड जो है ना वो सही है, नहीं ये पतला वाला है, इसे थोड़ा कम कर दे, कितना, तीन पर चलाएंगे, ठीक है। चलो गाइस फाइनली जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पे जिग्सॉ मशीन चलने वाला है, वो काफी बढ़िया अभी चलने वाला है, तो देखिए गाइस लेट्स गो, पतला वाला को काटेंगे, ठीक है। हाँ चलो, इसमें काफी सही डिजाइन बना है, कटिंग करने के लिए तो बहुत सारा मशीन आता है, लेकिन ये जिग्सॉ मशीन स्पेशली ये राउंड करने के लिए, मतलब डिजाइन में कटिंग करने के लिए बेस्ट। और इसका सरफेस जो है सही लेवल, अब ज्यादा घिसना नहीं पड़ेगा। हाँ देखो मस्त प्लेन करके कटिंग किया है, एकदम मस्त कटिंग। इस प्लाई को काटने के लिए लगता है स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, देखो गाइस पूरा फुल कर दिया हूँ, छह पे कर दिया हूँ, चलो लगाओ अच्छे से दिखा।
वाला टेढ़ा हो गया यहाँ पर, अभी टेढ़ा हो गया पड़ेगा, लेकिन इसका जो सरफेस है ना सीधा हुआ है, ये जो सरफेस है ना ये काफी स्मूथ है, स्मूथ कटिंग हुआ है, अभी घिसना नहीं पड़ेगा ज्यादा सैंडपेपर से। धूल पड़ गया, साफ करो इसको, साफ करो, नया मशीन है, धूल पड़ गया इसमें। आशीष भाई मशीन कैसा है? बढ़िया, पावर तो ठीक ठाक है इसका। छोटा ये तो बड़ा वाला ब्लेड है, लेकिन छोटा वाला जो ये ब्लेड है इसमें और ज्यादा स्मूथ कटेगा हमें लग रहा है, क्योंकि इसका जो दांत है ना ये बहुत पतला है, हाँ छोटा छोटा है, इसमें तो काफी बढ़िया कटिंग हुआ है, बड़ा बड़ा अप्लाई के लिए सही है, सही है ना। एक बार लकड़ी काट के दिखाओ, डंडा वाला, कौन सा लग रहा है डंडा वाला, कुछ भी ये वाला, ये वाला काटते हैं, ठीक है। देखिए ये बम्बू है, बम्बू, उसको भी काट दिया। और गाइस मैं यहाँ से शूट कर रहा था, और यहाँ से काफी तेजी से हवा निकल रहा है, देखिए इसका यहाँ से आ रहा है, चलो चलो, ना ना ना, यहाँ से आ रहा है हवा, सही सही सही, मस्त मशीन है, अब ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो ये सप्लाई में हेक्सा प्लेट या फिर ज्वेलरी सॉ से कटिंग करता था, बहुत ज्यादा टाइम लगा तो उसमें, प्रोजेक्ट बनाने में हालत खराब हो जाता था, तो अब जो है मशीन आ गया तो अब जल्दी जल्दी काट कर काम चला लेगी, तो काफी मजा आ रहा है। ये मशीन का जो है हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगा है कलर, रेड कलर, आईवल का कलर ही अलग है, जैसे सही है, तो मस्त कटिंग हो रहा है, और डिजाइन करके जो कटिंग है ना वो काफी मस्त है, क्योंकि अच्छा अच्छा और एक चीज है इसमें, क्या है? ये दो नट ढीला करके फिर ये बेस प्लेट को हम लोग टेढ़ा करके ऐसे 45 डिग्री में कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये देखो ये दिया गया वो नंबर, अभी अभी तो शुरुआत है, अभी अभी उसमें सीखना पड़ेगा, हाँ अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद, गाइस काफी बढ़िया है मशीन, मेहनत जितना भी करते है उससे थोड़ा अभी मेहनत कम लगेगा उसमें कटिंग, कम लगेगा, हाँ मेहनत तो लगेगा, लेकिन वो जो कटिंग करने में जो दिक्कत होता है वो अभी थोड़ा अच्छे से होगा कटिंग, तो काफी सही से होगा और जल्दी भी कटिंग होगा, देखो क्या मस्त राउंड करके कटिंग काफी मस्त। इस मशीन से सिर्फ राउंड मतलब ऐसे जिगजैग पैटर्न में जो कटिंग होता है उसके लिए ये मशीन एकदम बेस्ट, लोकल मार्केट में कम प्राइस में, प्राइस एक बार दिखा दो, बढ़िया से कहाँ है, 2,246 रुपए, हाँ 2,246 रुपए दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है देख लिया है, डिस्कशन पर लोकल मार्केट में इसका प्राइस, ऑनलाइन पे तो ये रेट है, लोकल में लेने में थोड़ा सा कम मिल जाएगा, लेकिन पता नहीं जैसे दुकान में जाते हैं वो लोग बढ़ा चढ़ा के रेट बोलते हैं, फिर दूसरा कंपनी का भी दे देते हैं, दूसरा मनपसंद, फिर एक ऑनलाइन में बेस्ट है, थोड़ा बहुत सर्च वगैरह करके इसका रेटिंग क्या है देख दाख के रिव्यू, उसके बाद हम लोग ऑर्डर करते हैं, ठीक है। नहीं तो आप लोकल मार्केट में भी चेक कर सकते हो, इसी कंपनी का लोकल मार्केट में अगर होगा तो कम पैसे में मिल जाएगा, 2000 के आसपास में मिल जाएगा, 100-200 कम ही मिलेगा, ठीक है। गाइस देख सकते हैं आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता है जल्दी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय 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 गाइस।